हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं नेमत और आइए आज बहुत ही ऑर्डिनरी स्टाइल से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोश्त बनाते हैं। इसका मज़ा स्पेशल होता है, खाने में बहुत ही चटपटा मज़ेदार खुशबूदार बनता है। तो मेरे साथ बने रहें और देखें इसके स्टेप्स और मसालों को। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डालें और इसे तेज़ फ्लेम पर खूब गर्म कर लें ताकि ये स्मोकी हो जाए। उसके बाद फ्लेम को धीमा कर दें और तेल को ठंडा होने दें। ऐसा करने से तेल का कड़वापन निकल जाएगा। अब ये रेडी है। अब खड़े मसाले में जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और इलायची का इसमें बघार डालें। अब तीन लार्ज साइज प्याज को लेंथ वाइज काट कर गरम तेल में डालें और इसे हल्का सा गुलाबी होने दें। अब प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है और मुझे प्याज की ऐसी ही रंगत चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इसमें धुला हुआ मटन डाल रहे हैं जो कि 600 ग्राम है और साथ ही एक टेबल स्पून भरकर हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। अब दोनों चीज़ को तेज फ्लेम पर 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। अब पाउडर मसाले में यहाँ देखें तो हमने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक है, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम लाल मिर्च का पाउडर है। ये आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करें। 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 मिर्च और ये तेजपात है जो कि हमने खुशबू के लिए लिया। साथ ही हमने गोश्त को गलने के लिए 150 ml पानी लिया है जो कि एक नॉर्मल कप जो डेली घर में चाय पी जाती है उसमें आ जाता है। तो ये 150 ml पानी। अब 5 मिनट तले जाने के बाद आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छी तरह से तला जा चुका है। तो यहाँ पर हम मसालों को इस्तेमाल करेंगे और मसाला डालकर भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सारे मसाले पाउडर वाले हैं, कोई कच्चा मसाला नहीं है। अब यहीं पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो गोश्त पकाने का है वो पूरा हुआ। अब गोश्त में उबाल आने के बाद हमें कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और पहली सीटी आने के बाद हमें फ्लेम को धीमा कर देना है और धीमी आंच पर इसे गलने तक पकाते रहना है। हमें इन सारे प्रोसेस में लगभग 15 मिनट वक्त लग जाएगा। अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें निकाल कर रखी हैं, वो हमें गोश्त में सबसे आखिर में डालना है और यही वो चीज़ें हैं जिससे एक ऑर्डिनरी मीट मसाला जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइसेस प्याज के लिए हैं, 2 हरी मिर्चों को काटा है, 1 क्वाइन साइज अदरक को मैंने चॉप किया है, धनिया पत्ती चॉप कर लिया है, 1/2 लेमन का पीस है और 3 टुकड़े टमाटर के। साथ में ये हमारा स्पेशल गरम मसाला है जो कि हमारे चैनल पर मौजूद है। पहले मैंने एक आम सा गरम मसाला डाला था और अब ये बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला है जो कि ख़ास नॉनवेज के लिए मैंने तैयार किया है। साथ में ये 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून प्योर घी है। इन चीज़ों के इस्तेमाल से गोश्त बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। या यूं कहें कि आपने एक आम सा गोश्त बनाया है और पता चला कि खाने पे कुछ लोग आ रहे हैं, तो आखिर में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल अगर आप कर लें तो लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने किस स्टेप से गोश्त को तैयार किया है या उसमें कौन सा स्पेशल मसाला डाला है। तो चलिए इनको हम तैयार करके एक तरफ रख लेते हैं और अब गोश्त की खबर लेते हैं।
गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ पानी है, तो अब इसे फ्लेम पर मैंने रख दिया है। और वो जो कुछ हमने इसकी तैयारी की थी पत्तों की सलाद की, तो वो इसमें डाल दें। फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखें। अब थोड़ा सा जो नींबू हमने रखा था वो इसमें निचोड़ दें। आपको यकीन नहीं होगा, गोश्त इतना लजीज हो जाएगा कि जैसे पता नहीं क्या स्पेशल मसाला इसमें डाला गया है। तो ये हमने गरम मसाला भी डाल दिया। और अब सबसे आखिर में ये घी। अब इसे धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकने दें और ढक्कन इसका ढक दें ताकि ये बहुत अच्छी तरह से दम पर आ जाए। तो चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त, कितना मजेदार तैयार हुआ है। तो उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।